से ही इसकी धूम देखी जा रही है। कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व बड़े ही उत्साह के साथ, उल्लास के साथ इंदौर वासी मनाते हैं। और इंदौर के दशहरा मैदान में इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, जो कि दशहरा मैदान में जनता के साथ जन्माष्टमी महोत्सव का ये आगाज करते हुए नजर आए हैं। और इस दौरान छोटे छोटे नन्हे कान्हाओं को अपनी गोद में लेकर उनके ऊपर फूल बरसाते हुए, उन्हें प्यार दुलार करते हुए, माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो पब्लिक आई है उनके ऊपर भी फूलों की बारिश करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। और सबसे सुंदर आज का जो दिन है ये इंदौर में ही देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए कि कल जन्माष्टमी की धूम है, इस दिन जो लोग हैं वो व्रत करते हैं, और रात में जब कृष्ण लला का जन्म होता है तभी अपने व्रत खोलते हैं। और आज जगह जगह झांकियां बनाई जाती हैं, लोग बड़ी संख्या में आज के दिन पूजा पाठ को और सुंदर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। कृष्ण भगवान की छोटी मूर्तियां सभी लोग लेते हैं, उन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से सजाते हैं, और कृष्ण लला को वो सारा प्यार दुलार दिया जाता है जिस तरीके से एक छोटे से बच्चे के जन्म पर होता है। वो सारे विधि विधान के साथ लोग जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। और आप ये देखिए कि हर वर्ग, चाहे वो निम्न वर्गीय परिवार हो, चाहे वो बड़ा परिवार हो, सभी लोग जन्माष्टमी का त्यौहार अपने अपने स्तर पर मनाते हैं। खासतौर पर मंदिरों में आप देखेंगे बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं, खासतौर पर जो इस्कॉन टेम्पल है जहाँ पर कृष्ण और राधा की मूर्ति की पूजा करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। और खासतौर पर कृष्ण के मंदिर में आज के दिन खास सजावट होती है, और आज से ही सजावट शुरू हो जाती है क्योंकि कल जन्माष्टमी है, और इस जन्माष्टमी के खास मौके पर पूरे मंदिर प्रांगण को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। और इसी सुंदर नज़ारे को देखने के लिए जो भक्त हैं वो पहुंचते हैं, अपने अपने तरीके से कुछ कुछ उपहार भेंट करते हैं, अपने घर में झांकी बनाई जाती है। और सबसे खास बात यह है कि जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके खासतौर पर जो लड़के होते हैं उनको कृष्ण के रूप में, और जो बच्चियां होती हैं उनको राधा के रूप में सजा दिया जाता है। और आप देखिए आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग घर बैठे ही दूर दूर से इस्कॉन टेम्पल में कृष्ण लला के दर्शन कर लेते हैं, राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। और इस वक्त आपको इंदौर की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जन्माष्टमी की धूम चारों तरफ फैली हुई है। जन्माष्टमी महोत्सव में सीएम पहुंचे हैं, और जन्माष्टमी महोत्सव का जो आगाज है आज से हो चुका है। हर तरफ आज के दिन की धूम देखी जा रही है, आज से ही तैयारियां हो चुकी हैं। कल जन्माष्टमी का त्यौहार है, और कल जन्माष्टमी के इस खास मौके पर आप देखेंगे कि हर तरफ पूरे देश में कोने कोने पर आज से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और कल यानी कि जन्माष्टमी के खास मौके पर देर रात को जब कृष्ण लला का जन्म होता है उस दौरान से ही धूम शुरू हो जाती है। हर तरीके से जन्मदिन मनाने की कोशिश होती है, लड्डू बांटे जाते हैं, प्रसाद दिया जाता है, फल बांटे जाते हैं, कई लोग अपने अपने तरीके से गरीबों को दान पुण्य भी करते हैं। और सबसे खास ये है कि जब तक कृष्ण भगवान का जन्म होता है तब तक व्रत किया जाता है, यानी कि कोई कुछ खाता नहीं है, व्रत करता है। और सिर्फ रात में जैसे ही कृष्ण भगवान का जन्म होता है उसके बाद लोग अपना फास्ट पूरा करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कितनी मुसीबतों के बीच में, सलाखों के पीछे कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, और उसके बाद गहरी नदी को पार करते हुए उनके पिता ने उन्हें ले जाकर एक दूसरे परिवार में छोड़ा। और कृष्ण भगवान की माया सभी को मालूम है, हम सब ने बचपन से ही देखा है, सुना है, और अब तो जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी कृष्ण की कथाएं और कृष्ण के बारे में उनके जीवन की जानकारी दिए जाने की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। और ये तस्वीर इंदौर से, जब जन्माष्टमी की धूम आप देख पाएंगे, हर कोई अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करता है, और तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत हैं जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान आमजन के बीच में पहुंचे हैं और जन्माष्टमी के इस खास उत्सव में शामिल हुए हैं।
तो देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त यानी कि कल मनाया जाना है। और हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। मान्यता है कि इस दिन कान्हा ने जन्म लिया था, उनका जन्मदिन होने के उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की प्रथा वर्षों से चली आ रही है। सालों से इस प्रथा को पूरा करते हुए आ रहे हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है। तो वहीं देश के सभी कृष्ण मंदिर को भव्य और शानदार तरीके से सजाया जाता है। भक्तों की भारी भीड़ इन मंदिरों में पूजा और दर्शन करने के लिए इस दिन उमड़ पड़ती है। कुछ लोग अपने घरों में कान्हा की मूर्ति झांकी लगाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से उसको सजाते हैं और उपवास भी रखते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि उपवास रखने की भी जो परंपरा है वो सालों से चली आ रही है। इस पावन अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कृष्ण जन्माष्टमी की सभी लोग बधाइयां देते हैं, शुभ संदेश भेजते हैं। और आज के दिन से ही कृष्ण जन्माष्टमी की धूम हर तरफ देखी जा रही है। और खास तौर पर आप देखेंगे कि मथुरा वृंदावन में पैर रखने की जगह नहीं होती है, बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचते हैं। और कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और ये आज से ही शुरुआत हो जाएगी। लड्डू गोपाल की मूर्ति का पूजन होगा, रात्रि के समय भगवान को स्नान आदि कराकर 56 भोग प्रसाद लगाया जाएगा और शुभ योग इस बार जन्माष्टमी पर बन रहे हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के समय ही ये योग बने थे और इस बार भी ये योग बन रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जहां पूरे देश में शुभ मुहूर्त शुभ योग लेकर आ रहा है। तो आपको ये बता दें कि आप भगवान कृष्ण को किन किन चीजों का भोग लगा सकते हैं। आप धनिया, पंजीरी, माखन मिश्री, मिठाई में तुलसी दल, मखाना पान, चरणामृत, मेवा खीर आदि का भोग बनाकर लगा सकते हैं। और कृष्ण की धातु की प्रतिमा को किसी पात्र में रखना है, उस प्रतिमा को दूध, दही, शहद, शर्करा और अंत में घी से स्नान करवाना है और इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। आप रात को 12 बजे भगवान के जन्म के बाद स्नान करा सकते हैं। और देखिए, कई बार कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि किस समय हमें मनाना है, शुभ मुहूर्त क्या है। तो रात में ही, जिस तरीके से हर साल आप जन्म मनाते हैं जन्मदिन, वैसे ही आपको मनाना है। और अब ये जो दुर्लभ योग बन रहा है बांकी बिहारी का, वैदिक पंचांग के अनुसार 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का जो योग है बहुत ही खास है। व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान कृष्ण की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बांकी बिहारी मंदिर में रोजाना मंगल आरती नहीं की जाती है, सिर्फ साल में एक बार ही यानी कि जन्माष्टमी के खास मौके पर ही मंगल आरती होती है। मंगला आरती को बहुत ही धूमधाम के साथ सब लोग मिलकर गाते हैं और इसमें कुछ वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल होता है। बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की आज धूम आज से ही आपको नजर आने लगेगी। और सबसे साथ खास बात यह है कि दूर दूर से लोग तो पहुंचते ही, विदेशों से लोग जन्माष्टमी का पर्व देखने के लिए, इसे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। और यहां से आप समझ सकते हैं कि कितना खास ये पर्व होता है। पुनः मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है। मंचानी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुख माखन लिपटा देख गोपी पकड़े कान, बाल रूप में सज रहे कैसे श्री भगवान। मैं निवेदन करूंगी रिदान और विवान से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को अब माखन खिलाएंगे, रिदान और विवान। दो बाल स्वरूपा कृष्ण कन्हैया हमारे साथ मंच पर हैं और वे माननीय मुख्यमंत्री जी को माखन खिलाएंगे। सम्माननीय मंचासीन अतिथिगण भैया हमारे साथ मंच पर, सभी सेक्टर्स पर यह प्रसाद का वितरण होगा। मच की फोड़
का ये पावन अवसर है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को कृष्ण स्वरूप रिदान और विवान मंचा से इन अतिथियों को भी माखन खिला रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। स्वागत है भाई, स्वागत है मोहन भैया का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। क्या कर रहे हैं, माखन खिला रहे हैं, मटकी फोड़ी अब माखन। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी अपने बाल कन्हैया को माखन खिला के, मिश्री खिला के आज इस कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव के रूप में इस उत्सव को मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सब स्वागत करें। दही हांडी फोड़ माखन मिश्री प्रसाद का वितरण किया गया। हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे भी भजन की कुछ पंक्तियां हम सभी को सुनाएं, क्योंकि आज का ये पावन अवसर है, कृष्ण जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। और इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ उपस्थित नन्हे नन्हे बाल गोपालों का स्वागत अभिनंदन किया और मटकी फोड़ कर एक पावन प्रथा जो कि प्राचीन काल से प्रचलित है, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय बाल क्रीड़ाओं में से एक थी। और इस क्रीड़ा के पश्चात आइए जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि वे अपने श्री मुख से हम सभी को भजन सुनाने की कृपा करें। निवेदन आपसे। दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियों के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से हम निवेदन करें। म्यूजिक प्लीज, हम म्यूजिक जो बजा रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे। थोड़ा सा म्यूजिक आप बजा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भजन की प्रस्तुति देंगे। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। अरे एक दो तीन चार, संग पाँच छः सात ग्वाला। हो गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार अभिनंदन करो। आज का ये इतना आनंद आया अपने इंदौर के इस आयोजन के लिए, जोरदार अभिनंदन करें आप। घर हर घर कृष्ण और हर माँ यशोदा, कितनी सुंदर मनोभावना है। एक बार इस आयोजन के लिए हमारे सारे इंदौर वासियों के लिए जोरदार ताली बजाकर जन्माष्टमी का आनंद मनाएं। परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद, ऐसा तो कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमारा मानव जन्म होता है, और ऐसे में मानव जन्म में और भाग्य हो तो भारत में जन्म मिलता है, और ज़्यादा भाग्य अच्छा हो तो मध्य प्रदेश में मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है, और माँ अहिल्या का आशीर्वाद से यहाँ इंदौर में जो नया अध्याय लिखा है जन्माष्टमी, ऐसे घर घर भगवान अपने गोपाल भेजती है, बालक भेजती है। हर माँ का सपना है, हर परिवार की इच्छा है कि उसका बालक भगवान कृष्ण का अनुयायी हो, उस रूप में जाना जाए। सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी का जो आनंद है वो इसी रूप में है। जन्म और मृत्यु का क्रम तो चलता रहेगा, लेकिन जन्म और मृत्यु के क्रम में हमारे परिवार में ऐसा यशस्वी बालक हो जिसके कारण से पूरा हमारा वंश तर जाए, और इसलिए भगवान कृष्ण भगवान राम कोई जाति कोई समाज कोई गांव कोई व्यवस्था के अधीन नहीं है, वो सर्वस्पर्शी सर्वव्यापक है। वो अपने इन सारे समाजों में
मानवता के सच्चे अर्थों में स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। जन्माष्टमी को मनाने के पीछे एक भाव ये भी आना चाहिए कि हमारे अपने परिवार के अंदर वो कुलभूषण के रूप में आए, कुल के तारने वाले के नाम रूप में उसकी पहचान बने। भगवान राम को 17 लाख साल हुए हैं, भगवान कृष्ण को 5000 साल पुरानी बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि कल की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जिसके मन में व्यवस्थाओं में अगर खराबी आती है तो उसके खिलाफ लड़ने का संघर्ष कालिया नाग को मार करके वो देते हैं कि यमुना जी के जल को अगर पीने के लिए गांव वाले परेशान हैं तो वो डरते नहीं हैं, कालिया नाग से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रसंग हमको प्रेरणा देता है कि हमारा दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, हमें उससे लड़ने की हिम्मत होना चाहिए। और हमारे सामने बनी बनाई परंपरा में ये जैसे इंद्र देवता का अभी मेघ वर्षा हो रही है, ऐसे ही इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पूजा, जिसमें पर्वत की पहाड़ की गोबर के धन के रूप में गोमाता को पूजने की पूजा छिपी हुई, इसलिए गोवर्धन की पूजा का संदेश भी भगवान कृष्ण हमको सिखाते हैं। और ऐसे में वो किसी से डरते नहीं है, ये निडरता की जो विशेषता है, वीरता की विशेषता है, यही कारण है कि कंस को उसके घर में जाके मारने की हिम्मत भी अगर किसी बालक में है, उसको योगेश्वर श्री कृष्ण के नाते से दुनिया जानती है, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ये जो हमारी संस्कृति की विशेषता है। और यशोदा मैया ने, भगवान कृष्ण तो देवते और वसुदेव के पुत्र थे, लेकिन बच्चे को प्यार देने के लिए कितनी माँ ममता लुटा सकती है, अपने स्थगी बच्ची को तो वसुदेव को दे दिया, लेकिन दूसरे के बच्चे के प्रति भी माँ ने जो प्रेम लुटाया है, इसी कारण से युगो युगो तक घर घर बोलते हैं कि हमारे घर में अगर बालक हो तो भगवान कृष्ण के समान हो, और माँ हो तो यशोदा माँ जैसी हो। बोला यशोदा मैया की। अपने बालक के प्रति कितना प्रेम लुटाती यशोदा मैया, इससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा। और हमारी संस्कृति में, इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा कि हमारे सारे तीज त्योहार पर्व उत्सव इनको समाज में तो मनाया जाता है, लेकिन सरकार भी आनंद में उनके साथ खड़ी रहेगी। हमारे देवी देवताओं ने जो संघर्ष करके मानवता के लिए जो संदेश दिए, वो समझ में आने के लिए समाज के साथ सरकार का भी सरोकार होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब से हमारी सरकार बनी है, हर उत्सव को ऐसे ही मना रहे आनंद के साथ, और इसीलिए जन्माष्टमी का पर्व भी और आनंद के साथ मनना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के जीवन में वो स्वयं कहते हैं कि मेरा तो जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए है, अर्थात अधर्म के खिलाफ संघर्ष के लिए है। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए उनके जीवन के विविध पक्षों में जब भी आप भगवान कृष्ण को देखोगे तो कठिनाइयों के बीच हंसता मुस्कुराता चेहरा, जो किसी से भी टकराने में डरते नहीं हैं, लेकिन मर्यादा को भी संभाल के रखते हैं। कंस को मारने के बाद वो कुर्सी पे नहीं बैठते, शिक्षा को महत्ता देते हैं। इसलिए गोपाल कृष्ण मध्य प्रदेश में अगर आए तो विद्यार्थी बन के आए, और आचार्य सांदीपनि के आश्रम में उनने शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा भी कितने प्रकार की, 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण और 4 वेद, सभी प्रकार की शिक्षा। ये हमको विश्वास दिलाती है कि बालक तो हरेक के घर में होता है, लेकिन बालक की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना ये भी बहुत जरूरी है। और शिक्षा में भी वो शिक्षा जो जीवन भर याद रहे, इसलिए भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा ग्रहण करी वो सबसे कठिन काल में, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है, चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हों, ऐसे में अपनी शिक्षा के
दृष्टि से जो उनने ग्रहण किया वो गीता के 18 अध्याय में पूरी कर्म प्रधान जीवन की शिक्षा भगवान श्रीमद् गीता के रूप में हम सबके सामने छोड़ के जाते हैं, जिससे आज भी दुनिया के कोई स्वतंत्रता सेनानी हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जीवन में प्रत्येक कर्म की शिक्षा भगवत गीता से प्राप्त करते हैं। गीता आदर्श रूप में सबके बीच जानी जाती है। और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जो आने वाले विदेशी मेहमानों को हमारे गीता के पवित्र ग्रंथ दे करके भारत की विशेषताओं से परिचित कराते हैं। मुझे इस बात का आनंद है, ये इंदौर में विनम्रता के परिचायक भगवान कृष्ण कैसे होते हैं ये उदाहरण है। ये जानापाव नामक स्थान मध्य प्रदेश में इंदौर में, क्या जानापाव में भगवान परशुराम जी से विनम्रता के बलबूते पे सुदर्शन चक्र प्राप्त करते हैं, और भगवान अपने आचार्य सांदीपनि के बेटे को लाने में वो सुदर्शन चक्र के माध्यम से सदैव विजय प्राप्त करते जीते जी। ये भगवान का विनम्रता का उनकी अपने गुरु को प्रारंभ से सम्मान देने का जो भाव है, उसी प्रकार से गरीबी अमीरी की बीच हर एक की किसी से मित्रता होती है। धन कितना भी आ जाए, लोग धनवान हो जाए, बड़े पद पे पहुंच जाए, लेकिन कभी भी अपने मित्रों को मत भूलो जो आपसे संपर्क पाते हैं। दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का है, मित्रता का है। और मित्र को मदद भी करना है तो आप उसके सामने हाथ में पैसे मत रखो, क्योंकि हाथ में सामने रखने से मित्रता की आंखें नीची हो जाएगी। तो अपने मित्र का सम्मान बनाए रखने के लिए मदद भी करो और पीठ पीछे से करो, पीछे से मदद करो और जिंदगी में मित्रता को निभाते रहो। ये भगवान कृष्ण ने दूसरा पाठ पढ़ाया। और वीरता में रुक्मणी हरण के समय हमारी सरकार ने तय किया, जहां जहां भगवान ने लीलाएं की है और उनका कोई इतिहास जुड़ा हुआ है, तो धार के पास अमझेरा वो स्थान है जहां भगवान का रुक्मणी हरण के टाइम रुक्मणी के भाई रुक्मी से युद्ध हुआ, उस स्थान को भी तीर्थ बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। एक एक करके भगवान ने जहां शिक्षा ग्रहण करी वो सांदीपनि आश्रम, और शिशुपाल जो उनकी बुआ का लड़का था वो चंदेरी नामक स्थान हमारे शिवपुरी अशोकनगर के पास का है, वहां शिशुपाल का जन्म हुआ, उनकी बुआ का लड़का था। तो बुआ के लिए उन्हें भगवान ने कहा कि बुआ ये बहुत गाली बकता है, गंदा बोलता है, लेकिन मैं बुआ बोलती तुम्हारा भाई है, इसको माफ करो। उन्होंने कहा माफ तो करूँगा लेकिन 100 गलती तक माफ करूँगा, 100 के बाद इसका अपराध क्षमा योग्य नहीं रहेगा। और वो उदाहरण है सबके सामने कि कभी भगवान शंकर ने जैसे जहर पिया ऐसा कभी अपमान भूले चुकले हो जाए तो अपना बड़ा मन रखो। लगातार कई चीजों को अपने साथ ले जाने के लिए थोड़ा सा संयम रखो, लेकिन संयम की सीमा होना चाहिए। जैसे समुद्र के ऊपर पुल बनाने के समय समुद्र के सामने भगवान राम याचना करते हुए प्रेम से मार्ग मांगते रहे, लेकिन उस युग में भी भगवान राम को अगर लगा के आप समुद्र को समझ में नहीं आ रही है तो धनुष ताना और मार्ग मिला। ऐसे ही शिशुपाल की 100 गलती पूरी हुई और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से अपने सामने अपशब्द बोलने वाले अन्याय करने वाले व्यक्ति का वध करके धीरता के साथ वीरता भी जरूरी है ये पराक्रम करके दिखाया। ऐसे कई सारे रहस्य और कई सारी बातें हैं। हमारी सरकार ने इसलिए तय किया है कि हर घर कृष्ण बने, हर माँ यशोदा बने। तो हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, हर स्थान पर नगरी निकाय के माध्यम से गीता भवन की स्थापना की जाएगी। गीता भवन बनाने का काम हमारी सरकार ने निर्णय किया है। गीता भवन बनते ही हमारी धार्मिक
सभी प्रकार की गतिविधि चलने के साथ ज्ञान चर्चा, परिचर्चा, साहित्य चर्चा, सब प्रकार के विचार विमर्श के केंद्र ये गीता भवन बनेंगे। और गांवों के अंदर भी अपने यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती थी ऐसा माना जाता है, तो कम से कम एक ब्लॉक के अंदर एक गांव हमारा बरसाना के नाते से जाना जाएगा, गोकुल बरसाना नंद बाबा के गांव की तरह, जहां पर अपने गांव में सभी आदर्श स्थापित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से हमारी प्राचीन संस्कृति फिर पुष्पित पल्लवित हो, फिर उसको लोग समझे जाने, जहां पर हमारे अपने बुजुर्गों का सम्मान हो, सभी प्रकार के हमारे सुशासन के प्रतीक स्कूल, खेल के मैदान, दूध के लिए गौशाला, गांव-गांव में आमदनी का रास्ता और संस्कार की पाठशाला, सभी व्यवस्था स्थापित हो। सरकार के नाते से ऐसे कई काम करने के निर्णय हमारी सरकार ने किए हैं, लेकिन आज तो आपको देख के आनंद आ गया। मुझे और आनंद आता है, जैसे जन्माष्टमी आती है, लोग जगह जगह बंबई की तर्ज पर मटकी फोड़ के आनंद लेते हैं और भगवान कृष्ण का वो रूप दिखाते हैं जो उनने माखन को लूटने के नाते से, भगवान ने ये कंस के घर माखन नहीं जाना चाहिए, ये सबके सामने विषय लाए कि कंस ने लगातार भगवान कृष्ण के माता पिता पे भी और भगवान कृष्ण को भी कष्ट देने के भोग